हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं गिलोय के ऊपर। गिलोय जिसका नाम पिछले कुछ सालों में काफ़ी फेमस हो चुका है। जब भी हम गिलोय की बात करते हैं, आजकल लोग बाबा रामदेव जी को इनके साथ जोड़ने लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब ये झूठ हो, क्योंकि कई बार इट्स ए मेडिसिनल प्लांट, मीन्स वी कैन यूज़ इट एज ए मेडिसिन। कभी मान लो, जैसे कि रिसेंटली तो नहीं कह सकते, जैसे कि डेंगू मलेरिया, जब इस तरह की कोई फीवर होता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, और क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी के सेल्स ख़राब हो जाते हैं या फिर प्लेटलेट्स लेवल बहुत डाउन हो जाता है। जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है तो उस केस में बॉडी को रिस्क हो जाता है, और बॉडी अगर प्रॉपर केयर नहीं किया जाए तो कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि गिलोय का यूज़ किया जाता है। बट इस वीडियो का मकसद हमारा है बताना कि गिलोय को घर में उगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली ये कहीं पर भी उग जाती है, और अगर इसके साथ कोई बड़ा पेड़ है, ट्री है, तो क्या होगा, इस ये और ज़्यादा डबल स्पीड से ग्रो करती है। तो सपोज़ करिए आपके घर में गिलोय उगी हुई है और उसके साथ इसको पेड़ मिल जाता है, तो ये क्या करती है, उस पेड़ को ही पकड़ के फैल जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि गिलोय जो है क्लाइंबर प्लांट की कैटेगरीज में आती है। क्लाइंबर का मतलब होता है जो क्लाइंब करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इसलिए इसको ऊपर की तरफ जाने का सपोर्ट चाहिए होता है। तो नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल मनी प्लांट भी एक क्लाइंबर होता है। तो ये जो आपको यहाँ पर गिलोय दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली ये मैंने ही ग्रो की थी अपने घर में। ये जो बनाई थी, इसको ग्रो करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। इसमें क्या था, नॉर्मली एक छोटा सा स्टेम कटिंग ले लो। तो मैं क्या की थी, जब मैं अपने होम टाउन गई थी, वहाँ पर ऐसे ही बहुत लंबी सी 2-3 फीट की एक लंबी सी गिलोय का डंडा पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, उसको मैं ले कर के उसके 5-6 पीसेस कर लिए और उसको अपने साथ अपने घर ले आई। आ कर के मैंने अपने टेरेस में जाके पॉट में मिट्टी डाली और उसमें छोटे छोटे पीसेस कट करके उनको सो कर दिया। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, इसमें से इसके बर्ड्स आने लगे और धीरे धीरे करके इसमें से लीव्स आए, फिर धीरे धीरे करके इसकी हाइट बढ़ती गई। अब देखिए, हमारे यहाँ पे तो कोई ट्री है नहीं, तो इसको क्या है, अगर यहाँ पर कोई ट्री होता है इस टाइम पे, तो ये एकदम से पूरा फैल चुकी होती, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ट्री नहीं है तो फैल नहीं पाई, बट इसने कम से कम ये है कि ऊपर तक ग्रो कर गई शेल्टर में। अब मैंने क्या किया, लेकिन ये इतना ज़्यादा हमारे ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि पेड़ नहीं है हमारे पास कोई। अगर हमारे यहाँ कोई पेड़ होता तो बहुत बड़े बड़े पत्ते इसके आ सकते थे। तो मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी मैंने इसकी कटिंग ले रखी है इसी पेड़ की। अब मैंने इसको फिर से उगा दिया है, अब मैं देखूँगी कहाँ तक ये ग्रो करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक।